पेट्रोल के बड़े दामों का विरोध करने में कांग्रेसियों ने खुलेआम उड़ाई धज्जियां। बढ़े हुए तेल के दामों को लेकर देश भर में कांग्रेसी पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में आज मुरादाबाद कलेक्टर ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। मगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने COVID-19 नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उसे सभी नियमों का दरकिनार कर दिया। मुरादाबाद के नज़ारे को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन है या COVID-19 के नियमों का न देखने पर का मूर्खता का प्रदर्शन। पिछले एक पखवाड़े से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज डीजल का रेट 82 रुपये हो गया है। बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए देश भर में अपने अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन का आह्वान कांग्रेस आलाकमान द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी सड़क पर निकलकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर की तरफ चल दिए। इस जुलूस में सबसे आगे जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर एक कार को रस्सियों से बांधकर खींचते हुए चल रहे थे और कार्यकर्ताओं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। कलेक्टर पहुंचते ही कांग्रेसियों ने COVID-19 नियमों को दरकिनार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ा के रख दी। ना तो इन्होंने मास्क लगाए हुए थे और ना ही आपस में समुचित दूरी रखे हुए थे। इस मामले में जब जिलाध्यक्ष से पूछा गया तो वो मीडिया कर्मियों पर ही झल्लाते हुए बोलने लगे कि दूसरी पार्टियां कुछ भी करती हैं, आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस ही दिखती है। अब ऐसे में इन कांग्रेसियों को कांग्रेस का कार्यकर्ता कहें या बड़ी पार्टी की मूर्ख करता कहें, वो तो अब विजुअल देख के खुद भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुरादाबाद से परवेश अंसारी की आज प्रदर्शन किया गया, आज कुछ नए तरीके से किया गया, जैसे कार मेरे पत्रकार बंधुओं से मीडिया बंधुओं से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारी आवाज बनिए। क्यों नहीं हमारी आवाज बनते? हम अच्छे लोग हैं, हम उसमें बुरे लोग नहीं है। आज से मैं ये सवाल मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, 2009 में क्रूड का रेट 41 रुपये था और डीजल का रेट 38 रुपये था, जब 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 सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। आज भी क्रूड का रेट 41 रुपये है आज भी, और आज 82 रुपये रेट है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा कौन खा रहा है? आज ये सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की, हमारे बच्चों के मुँह से खाने का निवाला छीन रही है, हमारे बच्चों के हाथ से पेन खींच रही है बच्चे कि बच्चे ना पढ़ पाए। ये महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच जाएगी कि इनसे संभाले से नहीं संभलेगी। आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, कल मुरादाबाद का नहीं पूरे हिंदुस्तान का, खासकर युवा सड़कों पर आएगा और हम किसान इस पेट्रोल पे इस डीजल पे जो महंगाई बढ़ी है सबसे ज़्यादा इसके अंदर तरफ हमारा किसान भाई होगा। किसान भाई को लागत पहले नहीं मिल रही, मैं तो आज मांग करना चाह रहा हूँ कम से कम अगर रेट वापस नहीं करे तो कम से कम किसान भाइयों को सब्सिडी देना शुरू कर दें, किसान भाइयों को सब्सिडी देना शुरू कर दें। अगर ये बढ़ते हुए दाम वापस नहीं लिए गए हम पुनः एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और करेंगे। प्रदर्शन जो आज किस तरह से करा आपके द्वारा जो है, एक कार जिसके अंदर चलते चलते डीजल खत्म हो गया, हम उसको हाथ के लाए, वो कार भी हमारी नहीं है, वो किसी राहगर की थी, धक्का लगा रहा था। मैंने कहा भाई तू क्यों धक्का लगाता, हम धक्का लगाते? ये मतलब उसमें धक्का लगाने का काम तो कांग्रेस का है। तो कहाँ से कहाँ तक खींच के लेकर आए कार? ये कार पीली कोठी के चौराहे से लेकर, पीली कोठी पेट्रोल पंप से लेकर यहाँ तक लेके आए। और मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी है और पार्टियाँ 100-200 लोग लेके आपका प्रदर्शन कर रही है, स्वागत कर रही है? हम अगर 5 आदमी से आगे ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे आपके फर्जी मुकदमे लग जाते हैं। अंदर की अगर आगे मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगे पूरी नहीं गई तो 1 तारीख को तहसील पे हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है, चारों हमारी तहसीलों पर, फिर भी मांग नहीं मानी गई तो हमारे 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉकों पर फिर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। तो सरकार की मेहरबानी, सरकार आज ये सरकार हिंदुओं की है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा हिंदू नहीं है। आज इस सरकार के अंदर हिंदू ही बहुत ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा व्यापार की अगर किसी की रेड लगी है तो हमारे मतलब हिंदू भाइयों की लगी है। आप देख लो बाजार में चार चार महीने से बाजार बंद पड़े हैं, कहाँ से खाएँ? कहीं से सरकार हमें ये तो बताएगी पैसा यहाँ से आ रहा है, हम आपको मतलब रोजगार के लिए दे रहे हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं।